टोक्यो ओलंपिक्स में महिला और पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास तब रच दिया जब ओलंपिक्स में पहली बार महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल्स में पहुंची और पुरुष हॉकी टीम तकरीबन 4 दशक बाद सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना पाया। हर तरफ टीम्स और टीम के खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी, लेकिन इसी बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड होने लगा। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नवीन पटनायक ने इन खिलाड़ियों और इस टीम का हौसला अफजाई ही नहीं की, बल्कि इन दोनों ही टीम्स को उनकी मुफलिसी से बाहर निकाला। ओडिशा ने भारत की दोनों ही हॉकी टीम्स को स्पॉन्सरशिप भी दी और ट्रेनिंग भी दी, वो भी तब जब 1995 से सहारा इंडिया परिवार दोनों ही हॉकी टीम्स को स्पॉन्सर कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था। 2017 में सहारा इंडिया परिवार की स्पॉन्सरशिप को 2021 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन 2018 में सहारा इंडिया परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से कंपनी ने स्पॉन्सरशिप देने से अपने हाथ खींच लिए। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ही भारतीय हॉकी टीम को कोई स्पॉन्सर मिले, लेकिन उस वक्त ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने महिला और पुरुष हॉकी टीम्स को सहारा दिया, स्पॉन्सरशिप दी, ट्रेनिंग दी और आज देश को सम्मानित होने का मौका दिया। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि वो ओडिशा जो देश की हॉकी टीम्स को स्पॉन्सर कर रहा है वो देश के अमीर राज्यों में शामिल नहीं होता। लेकिन ऐसे में कौन है नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, उनका परिवार उन्हें पप्पू नाम से बुलाता है, लेकिन आज वो अपनी जनता के लिए और खास तौर पर उड़ीसा की जनता के लिए नवीन बाबू बनकर उभरे हैं। बताएंगे आपको सब कुछ नवीन पटनायक के बारे में जो उड़ीसा के पिछले 2 दशकों से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, 50 साल में जिन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया और आज वो सबसे सफलतम मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे ऊपर पायदान पर है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। नवीन पटनायक ओडिशा में सन 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अपने पिता के नाम पर बीजू जनता दल सन 2000 में ही बनाया था। 16 अक्टूबर 1946 को ओडिशा के कटक में जन्मे नवीन पटनायक 50 साल तक ओडिशा से बाहर ही रहे। यहाँ तक कि वो राज्य की राजनीति में जब आए तो उन्हें ठीक से राज्य की भाषा उड़िया तक नहीं आती थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो 7 साल की उम्र में ही ओडिशा से बाहर पढ़ने चले गए थे। उनकी पढ़ाई देहरादून के द दून स्कूल से हुई है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो ज्यादातर समय अमेरिका में रहे। नवीन पटनायक का परिवार उन्हें पप्पू नाम से बुलाता है, लेकिन राजनीति में आने के लिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि नवीन पटनायक आज नवीन बाबू के नाम से अपने पूरे राज्य में जाने जाते हैं। नवीन पटनायक 50 साल की उम्र में आखिर राजनीति में आए क्यों, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल अप्रैल 1997 में कांग्रेस के पुराने साथी, स्वतंत्रता सेनानी, सेना में पायलट रहे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे विजयनंद पटनायक यानी कि बीजू पटनायक का निमोनिया से देहांत हो गया। बीजू पटनायक उड़ीसा के लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय नेता थे। बीजू पटनायक की मौत के बाद ऐसा लगा कि जैसे उड़ीसा की राजनीति में शून्य आ गया है। हर कोई बीजू पटनायक के आने वाले वायरस के बारे में सोच था, और इसी बीच एंट्री हुई नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक को कभी राजनीति में आना नहीं था, लेकिन परिवार के दबाव की वजह से वो ओडिशा की राजनीति में सक्रिय हुए। लेकिन नवीन पटनायक के लिए ओडिशा में अपने पैर जमाना बेहद मुश्किल था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि नवीन पटनायक को ना ही ओडिशा की संस्कृति के बारे में ज्यादा मालूम था और ना ही उड़िया भाषा के बारे में। इस वजह से उन्हें लोगों की क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ओडिशा की राजनीति में धाक जमानी शुरू की और पिछले 2 दशक यानी कि 20 सालों से वो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक ने अपने पिता के देहांत के कुछ महीने बाद दिसंबर 1997 में जनता दल से अलग होकर बीजू जनता दल पार्टी बना ली, जिसे कि हम बीजेडी नाम से जानते हैं। लेकिन 2009 के चुनावों से पहले तक बीजेडी एनडीए का साथ ही रहा है, और 2009 के पहले के तमाम चुनाव बीजेडी ने बीजेपी के साथ ही लड़े हैं। लेकिन अलग अलग मतभेदों की वजह से 2009 में बीजेडी एनडीए से अलग हो गई, और उसके बाद लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव बीजेडी ने अलग ही लड़े हैं। लेकिन बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होना बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के लिए काफी फायदेमंद रहा, और 2009 में अलग होने के बाद बीजेडी मजबूत होती चली गई। इसके सबसे ताजा उदाहरण यह है कि जब 2019 में मोदी लहर अपने प्रचंड रूप में थी, उस वक्त भी बीजेडी के विधानसभा चुनावों में 147 विधानसभा सीटों में 115 सीटों पर जीत दर्ज की। मोदी लहर के बाद भी बीजेपी ओडिशा में सिर्फ 20 सीटों पर ही सिमट के रह गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओडिशा के लोग आखिर पिछले 20 सालों से नवीन पटनायक को इतना पसंद क्यों करते हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओडिशा में हर साल लगभग चक्रवात आते हैं। इन चक्रवातों को कभी कभी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पिछले 20 सालों से नवीन पटनायक ने ओडिशा के तमाम चक्रवातों से पैदा हुई आपदा को बहुत बढ़िया तरीके से नियंत्रित किया है। दूसरी बड़ी वजह है कि वो महिलाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय नेता है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए अलग अलग दौर में अलग अलग स्कीम लाते रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि ओडिशा के तमाम युवाओं के लिए वो खेल को लेकर भी अलग अलग स्कीम लाते रहे हैं, जिसकी वजह से वो महिलाओं से लेकर युवाओं के बीच में काफ़ी पसंदीदा नेता रहे हैं। और यही वजह है कि वो पिछले 20 सालों से ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। सिर्फ यही नहीं, ओडिशा का पुरी शहर हाल ही में देश का पहला ऐसा शहर बना है जहां पर 24 घंटे शुद्ध पानी आता रहेगा, यानी कि यहां के लोगों को फिल्टर की जरूरत नहीं है और ना ही बोतल बंद पानी की जरूरत है। यहां पर अगर आप नल पर ग्लास लगाकर पानी पिएंगे तो आपको साफ पानी मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर देश की पहली ऐसी राजधानी और शहर बना है जहाँ पर 18 साल से ऊपर 100% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सिर्फ भुवनेश्वर के लोगों को ही नहीं बल्कि प्रवासी लोगों में भी 1,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज यहां पर लग चुकी है, वो भी तब जब देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी होती रही है, लेकिन ओडिशा ने उस वक्त में भी वैक्सीन की कमी को पूरा कर लिया। यही वजह है कि कहा जाता है कि चाहे ओडिशा में चक्रवात आए या फिर मोदी लहर, नवीन पटनायक के तिलिस्म को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अगर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो नवीन पटनायक ने कभी शादी नहीं की। 50 साल की उम्र में वो राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में आने से पहले वो लंबे समय तक अमेरिका में रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद उन्होंने साइक दिल्ली नाम से एक ओबरॉय होटल में बुटीक भी खोला था। उनके क्लाइंट्स में मशहूर बीटल्स भी शामिल थे। नवीन पटनायक की पहचान लेखक के तौर पर भी की जाती है। उनकी दोस्ती दुनिया के नामी गिरामी लोगों में रही है। यहाँ तक कि उनकी दो किताबें अमेरिका की फर्स्ट लेडी रही जैकलिन कैनेडी ने भी एडिट की है। जैकलिन कैनेडी के बेटे और जैकलिन कैनेडी खुद नवीन पटनायक के साथ कई बार कई मौकों पर भारत के दर्शन के लिए भी पहुंचे हैं। दुनिया के नामी गिरामी लोग नवीन पटनायक की फ्रेंड लिस्ट में रहे हैं, जिसमें महारानी गायत्री देवी से लेकर एक्टर रॉबर्ट डिनेरो और मिक जैगर भी शामिल रहे हैं। हालांकि ओडिशा की राजनीति में आने के बाद और खास तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद नवीन पटनायक ने अपनी इस फ्रेंड लिस्ट को थोड़ा कम कर लिया है और अब उनके नए दोस्त सरकार के अधिकारी और किसान ही शामिल हैं। अब नवीन पटनायक की लाइफस्टाइल में कुछ और ही शामिल है, वो 9:30 बजे अब सो जाते हैं। इस वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया कि किस तरीके से नवीन पटनायक के ओडिशा ने हॉकी टीम्स को स्पॉन्सर किया, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब वो अपने स्कूल में थे और स्कूल के दिनों में हॉकी खेला करते थे, उस वक्त वो अपनी टीम के गोली यानी कि गोलकीपर हुआ करते थे। हालांकि पटनायक ने कभी सार्वजनिक रूप से खेल के प्रति अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन कुछ साल पहले जब हॉकी अपने आधिकारिक प्रायोजक सहारा के बाहर निकलने के साथ और भी खराब समय से जूझने लगा, तब इसे उभारने के लिए पटनायक सामने आए और दोनों टीमों के लिए नवीन पटनायक ने करीब 100 करोड़ रुपए का करार किया। तो ये थी नवीन पटनायक की कहानी कि किस तरीके से ओडिशा के सफलतम मुख्यमंत्रियों में से एक नवीन पटनायक सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि देश भर में भी आज जाने जा रहे हैं और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है।